के लिए, चार्ट बनाने के लिए, काहे के लिए बनाए थे कानून जी, इसकी आत्मा क्यों नहीं बदली है? जो मैं कह रहा था कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, परजरी का ऑफेंस होगा जिसमें चार तरीके के ऑफेंस होंगे, ऑफेंस फॉर फाइलिंग फॉल्स एफआईआर, ऑफेंस फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ऑफेंस फॉर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को भी घेरेंगे, और ऑफेंस फॉर फॉल्स एडवोकेसी इन द कोर्ट, वकील का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, जेल चला जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा यदि वो जानबूझकर झूठी दलील देगा तो। वकील भी जेल जाएंगे भाई साहब। लेकिन इनके इन इनके जो फाइव जो राइट दिए गए हैं पुलिस को, जैसे पुलिस एविडेंस एक्ट है, पुलिस ऐसे करके है, पांच है ना? करो, ये दो मिनट में बदले जा सकते हैं। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चुने हुए नेता ही बदल दें, लेकिन ये तब बदलेंगे जब ये मजबूर होंगे और बेबस होंगे। उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि 10-10 को जोड़कर 100 करोड़ हो जाओ, कल जो है ना ये अपने लाभ के लिए कर देंगे। और हम 2-3 दिन पहले एक एनजीओ में काम करने वाले बेचारे अनपढ़ गवार ही थे, वो पांचवी पास थे वो, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही हमारे मॉडल को सुनने के बाद। उन्होंने कहा, डीजी साहब ये तो आपने वही कर दिया। बोले क्या? बोले हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए जी। तो आपकी ना हींग लग रही है ना फिटकरी लग रही है और आपको रंग चोखा मिल रहा है। और यही काम राजनेताओं के साथ भी हो रहा है। हम राजनेताओं से ये नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम पास कर दो, हम राजनेताओं से नहीं कह रहे कि तुम समझ लो। जैसे अभी आपसे हमने कहा आप क्यों समझना चाहते हो, ऐसे हम राजनेताओं से कह रहे आप क्यों समझना चाहते हो, अभी मत समझो, हम पका के आपको देंगे तब समझना ना आप, ठीक है ना? अभी मत समझो, हम पका के देंगे आपको, आपसे ही अनुमोदित कराएंगे। तो हम राजनेताओं से कह रहे कि तुम तुच्छी राजनीति करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तुम जितना भी घटियापन कर सकते हो करते रहो, जब तक हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे तुम फिर घटियापन कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो 2-4 साल आप कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ दो काम करने के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब आप मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव और 5 फंडामेंटल राइट बना दीजिए, और उन्हें जो है ना कैबिनेट रैंक देके पावर दे दीजिए। वो जो है ना खुद लोगों को खोज कर जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है उनको अपने अपने क्षेत्र का जो है ना टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे। मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, उसे उनकी मदद से रिफाइन कर लेंगे और फिर जो है उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के सामने डिलीवरेट किया जाएगा, फिर उन्हें जो है पब्लिक के साथ डिलीवरेट किया जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना वो राजनेताओं के पास जाएगा। राजनेताओं को उसे पार्लियामेंट में सब पकी पकाई चीज रहेगी, जनमत भी बना होगा, बस पास करना है। और यदि वो पास करेंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे। सर एक छोटी सी एक बात करूं, क्योंकि दशहरा का पर्व चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में बात करूंगा। जैसे रामचंद्र के सामने एक समस्या थी, उनकी सीता खो गई थी। हाँ। पता चला कि सीता को रावण ले गया है। हाँ। तो उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे दोस्तों को पकड़ा और एक मंथन हुआ, जब पता चल गया कि सीता तो है लेकिन समुद्र के उस पार है, तो एक विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, और उस मंथन में जबकि वो पुरुषोत्तम थे, वो अंतर्यामी थे, उनको लोग भगवान भी कहते हैं, ठीक है, सब कुछ के बावजूद भी वो आदमी मंथन करता है, मंथन करने के बाद योजना बनती है, ओपन योजना बनती है 10 लोगों के बीच में या 100 लोगों के बीच में कि किस तरह से हम लोग फाइट करें, और वो फाइट करके सीता को मतलब वहां से लाते हैं, रावण को परास्त करते हैं, सीता को जीत करके लाते हैं। मैं कह रहा हूं कि सीता रूपी जो यहाँ बेरोजगारी है, बीमारी है, भुखमरी है, नॉन एजुकेशन है, इन सब चीजों को दूर करना है। ये सारी चीजें हमारे मैत्री शरण गुप्त जी को पता है कि इनको इनका इलाज कैसे करना है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ एक ऐसा कॉन्फ्रेंस या एक ऐसी बैठक करके अपने बातों को पहुंचा करके उसको। आपकी बात बहुत सही है, कि आप जानते हो तो आप उससे मरते हो, लड़ते भी हो। मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट लड़ते हैं, मेरी बात सुनिए ना, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लड़ते हैं, आप सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं, मिटने के लिए तैयार हैं, मेरी बात समझिए, इसलिए कि आपको पता है कि मैत्री शरण गुप्त के पास वो चीज है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो भारत महान भारत बन जाएगा और इससे विश्वगुरु बन सकता है। ये चीजें मैत्री शरण गुप्त को पता है, ये चीजें राम को भी पता चल गया था, जटायु ने बता दिया था कि सीता मैया वहां पे है, इसके बावजूद इनको बंदरों ने भी बताया सर,
जब सारी चीजों को लोगों को पता चला, बल्कि मंथन हुआ चीजों को, तो ये क्या है कि थोड़ी सी आप ही अपने जैसे नॉलेज को अगर इस पूरे देश के अंदर केवल 10 लोगों को साहब मैथिली सरगुप्त बना दे, 10 लोग मैथिली सरगुप्त एक को भी मैथिली सरगुप्त बनने की जरूरत नहीं है। एक भी व्यक्ति को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, एक भी व्यक्ति को जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। गुरु जी सर, एक मिनट, जो मैं कह रहा हूँ उतना सुन लीजिए ना। देखिए देखिए, मेरा कहना है कि देखो, भगवान राम ने अपने समय पे किया, फिर कृष्ण आए तो उन्होंने अपने समय की बात की, अब मैथिली सरगुप्त अपने समय की बात कर रहे हैं, सुनो उनके अपने मदद से। हम जो है ना, भगवान राम के समय का जो है ना समय थोड़ी है ना, उस समय जैसे जो बदमाश होते थे वो रावण जैसे गुड़ी होते थे, जो जो भगवान की सफलता के लिए यज्ञ हो रहा था तो उस यज्ञ को कराने के लिए रावण आया था, और रावण इतना ज्ञानी था कि वो यज्ञ तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि अर्धांगिनी ना हो। तो आपको मालूम है वो सीता जी को साथ में लेके गया था। मतलब रावण जो है उनका जो है वो पंडित भी था, अपने पुष्पक विमान अपने विमान से गया था, साथ में सीता जी को लेके गया था, और राम का जो है वो हवन जो है ना कंप्लीट कराया था, यज्ञ कंप्लीट कराया था, अपने को मानने वाला। मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात भी सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की दुर्व्यवस्था में वो ज्ञानी पंडित राम रावण जैसे लोग नहीं हैं। हम बहुत बड़े दुष्टों से लड़ रहे हैं, इन दुष्टों से यदि आप लड़ेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त ने आज की स्थितियों का आपको बहुत आसान उपाय दे दिया है। जैसे नारद जी भटकते हुए गए थे और उन्होंने कहा कि कलयुग में जो है ना हर व्यक्ति को जो है यातना हो रही है, प्रभु कोई उपाय बताओ, तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा बता दी थी। अब इस युग में मैथिली शरण गुप्त भटकते भटकते आपको जो है ना एक दूसरी कथा बता रहे हैं कि भाई साहब आपको ना ये करना है। मैथिली शरण गुप्त आपको सत्यनारायण की नई कथा बता रहे हैं कि भाई साहब ना आपको जो है ना पैसे देना है, ना आपको जुलूस निकालना है, ना आपको धरना देना है, ना आपको कहीं कलेक्टर एसपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना आपको जो ना किसी कोर्ट कचहरी जाना है, ना आपको कहीं धरना देना है, और तो और आपको अपनी सोच नहीं बदलना है, चिंतन नहीं बदलना है, क्रियाकलाप नहीं बदलना है, बस केवल इतना ही पूछ रहे हैं भैया अच्छा भारत चाहिए। और यदि अच्छा भारत चाहिए तो चार सिंपल उपाय कह रहे हैं, एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारे हर मैसेज में जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने का जो है ना वो दिया है, उसको डाउनलोड कर लो, जैसे ही आप अपना फोटो डालेंगे, अपने बारे में लिखेंगे और एरिया पिन कोड डालेंगे, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। ऐप को खोलिए, उसके नीचे प्रोफाइल को क्लिक करिए तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, सभी को शेयर कर लीजिए, 10-10 लोगों की सूची बनाइए और उनसे चर्चा करिए, उनको संकल्प दिलाइए, इतने मात्र से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो भाई साहब आप ये दूसरे तरीके से क्यों करना चाहते हैं? यदि सत्यनारायण की ये कथा आपका कल्याण बिना तकलीफ के कर रही है तो मैथिली शरण गुप्त को अपने जैसे और मैथिली शरण गुप्त की क्या जरूरत है? और जो हम कह रहे हैं कि जो टास्क फोर्स बनेंगी उसमें मैथिली शरण गुप्त को खोज लेंगे ना, जो जो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, मॉडल्स तो बने हुए हैं, उनको रिफाइन करना है, उसमें मैथिली शरण गुप्त का सहारा ले लेंगे ना। अभी क्यों बेचारो मैथिली शरण गुप्त को तकलीफ दी जाए? अभी तो नरेंद्र सिंह जी को तकलीफ देना है कि भाई साहब अपने लोगों को जोड़ लो। हालांकि नरेंद्र सिंह जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बेटियों से लेके पत्नी से लेके सभी को जोड़ा है, तो उतनी क्रेडिट में माननीय नरेंद्र सिंह जी को देना चाहूंगा। जी जी जी, अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हुआ है? नहीं, शंकाओं का समाधान है सर, बात में दम है आपके। बहुत दिनों बाद आज मैं अंतर मन से कह रहा हूँ, बात में दम है। बहुत दिनों बाद आपसे मेरी 500 बार बात हुई है, 200 मीटिंग मैंने अटेंड किया है, लेकिन अंतर मन से मैं ये जो 100 करोड़ वाली बात थी ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आज जाके मेरे समझ में आया है कि वाकई में इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो जो वो ज्ञानी व्यक्ति जो कि 5वीं पास थे बेचारे, वो 5वीं फेल थे, उन्होंने सही कहा ना इस मॉडल को सुन के, उन्होंने कहा डीजीपी साहब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, आपका तो मॉडल इतना सुहाना है, बस लग जाए। ये उनकी कही हुई बात नॉर्मल है हाँ, लेकिन सीरियस बात यह है कि मैं नरेंद्र सिंह ये कह रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये 100 करोड़ जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखिए ना, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग, लेकिन मेरी बात सुनिए,
ये नरेंद्र समझ गए कि सौ करोड़ कोई बात नहीं है, ये माननीय मैत्री सड़क भी समझ रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटी या बड़ी, एक मिनट, आप क्यों समझना चाहते हैं? आप ये मानो कि नए युग में जो है मैथिली शरण गुप्त आए हैं, उन पे विश्वास कर लो, वो आपसे ना पैसा ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों समझना चाहते हो? बिना समझे हुए चार उपाय करने के लिए दे रहे, कह रहे हैं कर दो भैया, क्या बिगड़ रहा है, क्या दे, क्या हो जाएगा? कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को क्यों नहीं नरेंद्र सिंह या मैथिली शरण पूरा करते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त नरेंद्र जी को हमेशा तो जगा रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, मुंबई भी ले जा रहे हैं।